हिंद एवरीवन। भाई पूरे भारत के लिए सिंपल 10 पास से मिलिट्री हॉस्पिटल की भर्ती निकली हुई है, जिसका ऑफलाइन फार्म भरा जाएगा और इसका ए टू जेड पूरी की पूरी जानकारी इसी वीडियो में आप लोगों को पता चल जाएगा। तो जितने भी भाइयों को इसमें फार्म भरना होगा ना, वीडियो पूरा देखना, सब कुछ समझ में आ जाएगा। उससे पहले मैं आप लोग को एक बात और बता दे रहा हूँ भाई, देखो इसके पहले जो BSF की भर्ती निकली थी ना, उसमें एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मांग रहा था, और उसके पहले एक CISF की भर्ती निकली थी उसमें भी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मांग रहा था, लेकिन ये जो मिलिट्री हॉस्पिटल की भर्ती निकली हुई है ना, इसमें कोई एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं मांगा है। सिंपल 10 पास रहोगे, पूरे भारत में किसी भी राज्य से रहोगे, इसमें फार्म भर सकते हो। और देखो आपको ऑफलाइन फार्म भरना पड़ेगा, और फार्म भरने के बाद उसके साथ डॉक्यूमेंट भी लगाना पड़ेगा, और सब कुछ करने के बाद आपको अपने पोस्ट ऑफिस पर जाकर और स्पीड पोस्ट कराना पड़ेगा, ठीक है ना। और इसमें 100 रुपये का पोस्टल आर्डर भी बनवाना पड़ेगा, तो उसके बारे में मैं आप लोग को अभी सब कुछ बता दे रहा हूँ। और देखो एक बात और बता दे रहा हूँ भाई, जितने भाइयों का हाइट कम रहता है ना और वजन ज़्यादा रहता है, वो भाई डिफेंस लाइन की तैयारी करते हैं, ऐसा सोचते हैं कि मैं हमेशा इंडियन आर्मी के साथ रहकर काम करूं, तो उन भाइयों के लिए ना ये सिविलियन, देखो ये सिविलियन की भर्ती है और आप लोगों को पहले भी बताया हूँ, ये जितनी भी इंडियन आर्मी ग्रुप सी सिविलियन की भर्ती निकलती है ऑफलाइन, ये बहुत अच्छी रहती है, ठीक है ना। तो पूरा वीडियो देखना, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। और एक बात और बता दे रहा हूँ भाई, और जितने भाई इसको हाइट को लेकर कमेंट करोगे ना कि भाई इसमें हाइट कितना लगता है, तो देखो कभी कभी इसमें हाइट मांगता है, वो भी 165 सेंटीमीटर जब फायरमैन का रहता है तो, लेकिन इसमें हाइट नहीं मांगा है, इसमें एक वाशरमैन का है और एक ट्रेडमैन मेट का है, और इसका सबसे पहले दौड़ नहीं कराया जाएगा, सबसे पहले पेपर ही कराया जाएगा, ठीक है ना। तो इसका पूरा नोटिफिकेशन आप लोग, भारतीय सिविलियन की होती है लेकिन काफ़ी अच्छी होती है, इसमें सैलरी भी अच्छी रहती है, और जो लोग इसमें भर्ती हो जाते हैं ना इंडियन आर्मी के साथ रहकर काम करते हैं, तो जितने भी भाइयों को इसमें फार्म भरना होगा वीडियो पूरा देखना, सब कुछ समझ में आ जाएगा। देखो पूरे भारत के लिए इसमें 65 सीट है, ठीक है ना, और सिंपल 10 पास रहोगे, कोई एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट इसमें नहीं मांगा है, सिंपल 10 पास रहोगे तो इसमें आप फार्म भर लोगे। अभी नीचे वो भी मैं आप लोगों को दिखा दे रहा हूँ, सबसे पहले ये आप लोग देख लो ना, जैसे इसमें फार्म 26/2/2022 से फार्म भरना चालू हो सकता है, और लास्ट डेट है 11/4/2022 तक, और एज देख लो, एज इसमें 18 साल होना चाहिए और मैक्सिमम एज 25 साल होना चाहिए। और देखो एज में छूट भी मिलता है OBC वालों को और SC/ST वालों को, 3 साल का और 5 साल का छूट मिलता है, ठीक है ना। और इसमें आप लोगों को 100 रुपये का पोस्टल आर्डर बनवाना पड़ेगा, तो जितने भी भाइयों को ये नहीं पता होगा कि पोस्टल आर्डर कैसे बनता है, आप अपने बैंक में जाओगे ना, ऐसे बोलोगे कि हमको ऑफलाइन फार्म कोई भरना है, पोस्टल आर्डर बनवाना है 100 रुपये का, तो वो बना देगा, ठीक है ना, नहीं तो पोस्ट ऑफिस पर भी पोस्टल आर्डर बनता है। अब बात कर लेते हैं इसमें कितना, मतलब किसका कितना सीट है, तो ये देखो UR के लिए, मतलब वाशरमैन का, जैसे कपड़ा धोना आना चाहिए, ठीक है ना। अभी नीचे मैं आप लोग को बता रहा हूँ, देखो इसका 19 सीट है पूरे भारत के लिए, ट्रेडमैन मेट, ठीक है ना। और बात कर लेते हैं SC वालों का, 4 सीट है, ट्रेडमैन मेट में 1 है, ST वालों का सिर्फ 3 है वाशरमैन में, और OBC वालों का 7 है पूरे भारत के लिए, ठीक है ना। और इसमें नहीं है, देखो ये जैसे दिया है ना वाशरमैन का है, जैसे UR का वाशरमैन का 19 है, और ट्रेडमैन मेट में मतलब 20 सीट है, और SC वालों का वाशरमैन का 4 सीट है, और SC वालों का ट्रेडमैन मेट में 1 सीट, ठीक है ना, और ST वालों का वाशरमैन में 3 सीट है, और ट्रेडमैन मेट में 1 भी सीट नहीं है ST वालों का, ठीक है ना। और OBC वालों का वाशरमैन में 7 सीट है, और ट्रेडमैन मेट में 4 सीट है, ठीक है ना। पूरे भारत के लिए मैं आप लोग को बता रहा हूँ, देखो EWS के लिए वाशरमैन में 6 सीट है और ट्रेडमैन मेट में 1 सीट है, तो टोटल मिलाकर ये दोनों मतलब 39, 26, 65 सीट है, ठीक है ना। अब बात कर लेते हैं, देखो इसमें क्या करना पड़ेगा, आपको मैट्रिकुलेशन पास, एनी जैसे मैट्रिक 10 पास होना चाहिए किसी भी मान्यता प्राप्त विद्यालय से ट्रेडमैन मेट में, ठीक है ना, इसको आप लोग देख लेना। अब बात कर लेते हैं वाशरमैन, तो जो वाशरमैन का दिया था ना उसमें आपका 10 पास होना चाहिए, और उसके साथ पता है वाश मिलिट्री सिविलियन क्लोथ्स, मतलब मिलिट्री का जैसे कपड़ा धोना आना चाहिए, ठीक है ना, तो वो तो सब लोग धो लेंगे भाई। तो ये आप लोगों का पूरा प्रोसेस रहा, और इसका सबसे पहले पेपर होगा, ठीक है ना, और इसमें इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना, जब इसका फार्म भराना चालू हो जाएगा, फार्म मेरे पास आ जाएगा,
तो मैं टेलीग्राम ग्रुप में आप लोगों को फार्म भेज दूंगा। और किस बहुत सारे भाई ऐसा सोच रहे होंगे कि यार ये फार्म कहाँ से मिलेगा और इस फार्म को किस तरह से भरा जाएगा और कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा। तो देखो यार, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। और जो पोस्टल आर्डर इसमें बोला है ना, इसको भी लेकर बहुत सारे भाई कन्फ्यूजन में होंगे, क्योंकि अभी ऑफलाइन जब भर्ती निकलती है तो उसमें टिकट चिपकाया जाता है, लेकिन इसमें तो पोस्टल आर्डर मांग दिया है। तो टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं आप लोगों को सब कुछ बता दूंगा। जिस दिन से ये फार्म भरना स्टार्ट हो जाएगा, इम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर में आ जाएगा, उस दिन मैं आप लोगों को बता दूंगा, ठीक है ना। और देखो, टेलीग्राम ग्रुप में इस फार्म को भेज दूंगा, जितने भी भाई टेलीग्राम ग्रुप में जुड़े हो ना, उन सभी भाइयों को आसानी से मिल जाएगा। और जो भाई नहीं जुड़े हो, जाकर जुड़ जाना, नीलेश भाई के नाम से है हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और देखो भाई, जितने भाइयों का हाइट कम रहता है ना, उन लोगों के लिए यार बहुत अच्छा रहता है। तो अभी इसका फार्म जैसे ही मेरे पास आएगा मैं भेज दूंगा, और आपका मतलब कोई एक्सपीरियंस नहीं रहेगा, कुछ नहीं रहेगा तो हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन आपको फार्म अच्छे से भरना पड़ेगा, अगर अच्छे से फार्म नहीं भरोगे तो फिर आपको उधर से कॉलिंग लेटर नहीं आएगा, और फिर आप पेपर में नहीं बैठ पाओगे, और इसमें पहले दौड़ नहीं होगा, पेपर कराया जाएगा, ठीक है ना। तो सब कुछ समझ आ गया होगा, फिर भी अगर कुछ डाउट होगा ना तो कमेंट करना, मैं आप लोगों को बता दूंगा, ठीक है ना।